अच्छा ये मुझे बताएं, आई बिलीव दैट या होता था ऐसा कि मोहब्बत जो है ना उसमें आपको कुछ नजर नहीं आता यार, चुप कर जाओ ना, व्हाट्स रॉन्ग विद He's like, यू, लेट मुझे भी अपना टाइम चाहिए, स्क्रीन इट टाइम चाहिए. नो, ही इज नॉट एग्रीइंग विद आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लव. He's not. He's not. He or she. Isn't. We don't even know. Yeah. He. Let's not okay. judge the gender. Let's yeah, not. Yeah. Okay. We're finishing. We're done with that conversation. हाँ करे करे दो मिनट. Please. हाँ दो मिनट. Yeah. So, जब आप प्यार करते हैं ना, मुझे लगता है कुछ नजर नहीं आता. You just become madly in love with whoever that person is. You know. लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल की ख्वात लड़कियाँ जो हैं, वो भी प्यार में ऐसी दीवानी हो जाती हैं या फिर practicality is has now kicked in and decision making is more practical rather than just bas dil ki baat sun lo. Jaise pehle hota tha na, red flags nazar bhi aate the to phir bhi aap jump kar lete the aur is umeed pe hote the ki yaar ye red flags green ho hi jayenge, lekin ab kya red flags ko dekh ke you take a U turn or what do you do? I don't know about the general populace but what from what I know, yeah, awareness aa gayi hai kafi. But I'm a little old school in this manner. थोड़ा सा जब मोहब्बत होती है ना, देन यू जब तक वो मोहब्बत है तब तक बुरा नहीं नज़र आता. पता नहीं कि मतलब आप लोगों के यहाँ भी यही है अभी तक? यार मैं सोच रही थी यू गाइज वुड बी बेटर देन अस. आई थिंक थोड़ा और टाइम के साथ हो जाएगा, बट राइट नाउ आई फील लाइक जितना भी आप प्रैक्टिकल कहने में बहुत आसान है कि प्रैक्टिकल 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 और देखो अगर उसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो बुरी जो चीज़ लगनी होती है वो भी अच्छी लगती है. ये तो सही बात है. तो वो एक चीज़ आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेयर वट एवर मिलेनियम वी वर बोर्न इन, स्टेज मोहब्बत हो जाती है तो नहीं. अच्छा ये बड़ा चीज़ी किस्म का इंटरव्यू है ना. yeah. थोड़ा वो जूबिया के बाद इट्स ऑल अबाउट द ड्रामा इज अबाउट लव एंड यू नो you know a boy and a girl and you know dreams and all that. तो फिर ऐसे ही सवाल पूछूंगी ना. ठीक है. and I think audiences को मजा भी आएगा सुनने का. मुझे मजा आ रहा है ऐसी conversation. I mean this is the first time I've क्या अच्छा जाके लाऊं उसे. so गोद में ले लो फिर. ले लो. मैंने ऐसे ही बोला था. she's actually gone to pick her up. she doesn't want to be part of the interview. Gina मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ. मैं वेट कर रही हूँ. बेटा फ्यूशिया मैगजीन है. कभी ड्रीम किया, कभी सोचा? लड़कियाँ आई थिंक लड़कियाँ हर चीज़ के बारे में सोचती हैं. जैसे यू नो बहुत सी लड़कियाँ सोचती हैं कि मेरी लव मैरिज, मैं लव मैरिज करूँगी या मुझे ऐसा बंदा मिलेगा या मैं शादी पे ये करूँगी या मैं ये पहनूँगी. सोचा है कभी या नहीं? नहीं. सो कभी सोचा अगर मुझे कोई प्रपोज करे तो ऐसे करे? सच में मैंने जितना सोचा है वो ये सोचा है कि फिर बहुत पता नहीं. आई डोंट नो. आई डोंट वांट. हाँ बोरिंग नहीं हो जाना चाहिए. हाँ बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा, बट मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली बता सकती हूँ ना, मसाला डाल के नहीं बता सकती. मुझे ये है कि आपको पहले भी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी यही बताया था, ऑल दैट आई हैव थॉट अबाउट मैरिज इज दैट अपनी खुशी के बाद पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी जस्ट एज हैप्पी विद माई मैन एज आई एम. वो तो इंशाल्लाह ही होगा. तो माई फैमिली इज अ बिग प्रायोरिटी फॉर मी बिकॉज आई कांट बी विद I can't be happy with somebody if I feel like there's a reluctance from my family. That is something that's a non-negotiable. लेकिन वो तो अलग-अलग बात है ना. वो तो but सोचें अगर कोई propose करे तो क्या कुछ ज़हन में आ रहा होगा, कैसे करे? You want a very grand gesture, surprise, or very intimate kind of you know? I think a bit of both. थोड़ा सा I want it to be a little fancy. Not fancy, but grand. Grand. Okay. But I also wanted to be like very intimate. Intimate, as in like कुछ ऐसा उसमें हो which is an ode to something, a memory of ours or something that's very emotional, sentimental. ये ना हो कि बड़ी सी गाड़ी gift कर दे या कुछ इस तरह कुछ superficial. गाड़ी के ऊपर एक छोटी सी ring. हाँ ring. नहीं वो नहीं चाहिए. वो नहीं चाहिए. I want something that's a little Yeah. grand but also very sentimental, so like a bit of both I think. That's very interesting and a little difficult to pull off I think. I mean if somebody wants to get with me they have to start making notes abhi se. bhai aap notes ki diary khol le aur notes likhna shuru kar de. yeah. acha mujhe jab aap se main phone pe baat kar rahi thi to mujhe bahut interesting laga. hum ek kisi cheez ke bare mein baat kar rahe the and she said ki maine wo nahi kiya kyunki mujhe permission nahi mili ghar walon se. I was like seriously? she said ha maine nahi kiya because मुझे ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि
यू स्टिल आर लिसनिंग टू योर पेरेंट्स. आई नो स्क्रिप्ट ड्रामा इज़ अ लॉन्ग थिंग, वो छोटी सी चीज़ थी दैट यू वर सपोज टू डू, बट वो भी आपने नहीं की क्योंकि पेरेंट्स को मना नहीं किया, बट यू न्यू के दे विल बी अनकंफर्टेबल, दे वुडंट बी हैप्पी. ये कैसे आ रहा है बैलेंस इस एज पे जहाँ इतनी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करी, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट टू लिव विद दिस माइंड सेट कि नहीं अगर उन्होंने मना कर दिया एंड यू वर हैप्पी, देर वॉज नो रिग्रेट इन योर वॉइस, तो ये कैसे बैलेंस ट्राई कर रही हैं? आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स बिकॉज दे हैव लेट मी स्प्रेड माई विंग्स एंड एक्सप्लोर लाइफ more than I could have imagined. They've never stopped me from practically anything. उन्होंने हमारे लिए एक सर्कल बना दिया कि ये आपकी लिमिटेशंस हैं, यह आप नहीं क्रॉस कर सकते, इसके अंदर रह के गो क्रेजी, जो करना है करो, बट ये कुछ आपकी हदूद हैं जिनको आपने क्रॉस नहीं करना. तो उनका इतना ट्रस्ट और फिर ट्रांसपेरेंसी. उन्होंने कभी हमें ना वो डंडे वाले माँ बाप नहीं थे हमारे, वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स. मम्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मैंने भी एक इंटरव्यू में भी कहा कि आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड और बैड थिंग, आई शेयर एवरीथिंग विद माई मॉम. बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह. मम्मा के साथ एक ऐसा कनेक्शन है तो, और वो कुछ नहीं रोकती, जहाँ चले जाओ, एज इन दे शुड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. दो चीज़ें हैंड इन हैंड. ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ये लेवल पे. तो आई गिव देम ट्रांसपेरेंसी, दे गिव मी देयर ट्रस्ट. तो आप जो भी करी होती हैं बता देती हूँ उन्हें, एज इन लाइक ये नहीं कि इतने बजे खाना खाया, साइकोटिक लेवल पे नहीं, देर नॉट उस तरह चोक होल्ड नहीं है माँ बाप का, बट उनको पता है इस्लामाबाद में हूँ शूट के लिए, स्केड्यूल पता है, कहाँ जा रही है, किसके साथ है, क्या कर रही है, एक है. और दूसरा सी, उन्होंने जो लिमिटेशंस हमारे लिए बनाई है ना, वो उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई, उन्होंने कुछ सोच समझ के. माँ बाप बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत आगे का, जो हम नहीं समझ सकते. अगर हम इस एज में समझ जाए ना कि माँ बाप किस नीयत से हमें किसी चीज़ से रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, तो हम सेट हैं, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी. तो मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करती हूँ कि वो कुछ बेहतरी समझ के, सोच के ही मुझे मना कर रहे होंगे इस चीज़ से, और अगर वो खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है. ज़िंदगी में किसी चीज़ से मना नहीं किया, तो अगर ये चीज़ से मना करें तो कोई तो वजह होगी ना. True. तो आई नेवर और ऐसा भी नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट. कभी कभी होता है, गुस्सा आता है कि यार ये तो, आई मीन फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना, कभी कभी हो जाती है, बट वो भी एक नेचुरल कोर्स है ना, वो एक होता है. आई फील फ्रस्ट्रेशन होना नेचुरल है, एंड फॉर यू टू गो थ्रू दिस प्रोसेस इज नेचुरल, एज लॉन्ग एज यू कम बैक टू अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटी. वो तो परफेक्ट, आपको फरिश्ता तो है नहीं ना. और कभी कभी ऐसा भी होता है मम्मा को कन्विंस कर लेती हूँ, आई मीन माई पेरेंट्स वर नेवर वेरी विलिंग फॉर मी टू कम टू द मीडिया साइड. हमारी आर्मी का बैकग्राउंड है, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम पेशावर, तो वी नेवर इवन थॉट आई वुड बी इन मीडिया, राइट. तो जब अब कितने सारे लोग कहते हैं पर्ची, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, राइट, माय फादर इज अ ब्रिगेडियर, कैसे पर्ची हो सकती है टू कम टू द मीडिया इंडस्ट्री, राइट. माय फादर वाजंट इवन लाइक, माय फादर 99% ऑफ द स्क्रिप्ट्स ही इज लाइक डोंट, तो कैसे.